हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तीर प्रसाद पांडे टेक्निकल न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीवो ने भारतीय मार्केट में अपना एक न्यू लेटेस्ट स्मार्टफोन कर दिया है लॉन्च। यह एक मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है और इसका नाम वीवो Z1X है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस फोन के फीचर्स के बारे में और बात करते हैं इस फोन की कीमत के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो इसके बैक पैनल में आपको 3D ग्लास फिनिशिंग के साथ रेनो लाइटिंग मिल जाती है, जिससे फोन देखने में काफी अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको बैक पैनल में 3 कैमरे और LED फ्लैश भी मिल जाता है। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो है फ्रंट पैनल पे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी इसमें दे रहे हैं। इसके अलावा अगर फ्रंट पैनल की बात करते हैं तो यह फोन में आपको वाटर ड्रॉप डिजाइन की डिस्प्ले मिल जाती है और बॉडी टू स्क्रीन इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वह 90% है। और दोस्तों, इसके अलावा यह 2 कलर में फोन आपको मिलने वाला है, ब्लू और पर्पल कलर में। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हैं हम इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो कंपनी इसमें दे रहे 6.38 इंच की फुल HD+ सुपर एलमोल्ड डिस्प्ले। इसके अलावा इसके जो रेजुलेशन है वह 2340x1080 है इस डिस्प्ले का। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में आपको मिल जाता है प्रोटेक्शन शॉर्ट जनरेशन ग्लास का। अगर बात करते हैं इस डिस्प्ले के एस्पेक्ट रेशियो का तो वह 90.5:9 है। दोस्तों, अगर बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो कंपनी इसमें उपलब्ध करवा रही है स्नैपड्रैगन का 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यह 10 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.3 GHz होने वाली है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें प्रोसेसर कंपनी दे रही है। अगर हम बात करते हैं इस फोन के स्टोरेज के बारे में, तो यह एक ही वेरिएंट में 2 स्टोरेज के साथ कंपनी इसको लॉन्च किया है। जो सबसे पहला है वह 6 GB RAM + 64 GB स्टोरेज और दूसरा जो है वह 6 GB RAM + 128 GB स्टोरेज के साथ। इसकी जो रैम है वह LPPDDR4X RAM है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसमें रैम कंपनी दे रही है। अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो इसमें कंपनी दे रही है एंड्रॉयड का 9.05 वर्जन और यह रन करेगा फन टच 9.1 पर। अगर दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमराज के बारे में, तो जो रियर कैमरे हैं वो 3 हैं। जो पहला है वो 48 मेगापिक्सल का है, काफ़ी बड़ा कैमरा इस फोन में कंपनी दे रही है। जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। जो तीसरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इसके अलावा LED फ्लैश इसमें कंपनी दे रही है। अगर बात करते हैं फ्रंट पैनल की, तो कंपनी इसमें आपको दे रही है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में, तो कंपनी आपको इसमें दे रही है 4500 mAh की बैटरी, 22.5 ओक फास्ट चार्जिंग के साथ। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं इस फोन की कीमत के बारे में, तो जो 6 GB RAM + 64 GB स्टोरेज है उसकी कीमत 16,990 रुपये कंपनी ने रखी है और जो 6 GB RAM + 128 GB स्टोरेज के साथ आता है उसकी कीमत 18,990 रुपये कंपनी ने रखी है। इसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर अन्य फीचर्स की बात करते हैं, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें कंपनी आपको दे रही है, डुअल 4G सिम का इसमें सपोर्ट दे रही है, 3.5 का ऑडियो जैक इसमें मिल रहा है और इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें USB Type-C कंपनी दे रही है, Bluetooth 5.0 और GPS और इसके अलावा अन्य जरूरी सेंसर्स में कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करते हैं इसके मिलने की, तो यह 11 सितंबर से आपको फ्लिपकार्ट में दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन सेल के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस फोन को करना चाहते हैं परचेज, तो 11 सितंबर से आप इस फोन को फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस फोन के बारे में क्या कहना है, कृपया मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.